Good morning, everyone. On behalf of IQAC and Central Institute of Higher Tibetan Studies, मैं आपको इस नए सत्र में अभिनंदन करता हूँ और मुझे लगता है कि इससे कोई मांगलिक दिन और हो नहीं सकता, क्योंकि कल हमने गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया. गुरु शिष्य की जो बनारस में एक अभूतपूर्व परंपरा है उसको हम लोगों ने इंटेंसिफाई किया था, और आने वाले कुछ दिनों में ही हम हमारे परम पावन जी के जन्मदिन को लेकर भी उतने ही उत्सुक हैं. तो उसके बीच में आज का ये जो प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर, वो इमीडिएटली विथ वन रिक्वेस्ट हैड ग्रेटिफाइड अस विथ दिस. हमारे चीफ गेस्ट, उनके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, और स्पेशली रजिस्ट्रार मैम जिनकी दौड़ भाग से ये प्रोग्राम इतने छोटे समय में हम लोग कर पाए. उसी आशीर्वाद के क्रम को आगे बढ़ाते हुए माँ सरस्वती से तथागत बुद्ध से आशीर्वाद लेने की श्रृंखला में मैं हमारे यूनिवर्सिटी कॉयर संस्कृत के मंगलाचरण के लिए हमारी छात्राओं का आमंत्रित करूँगा. कैन वी हैव द यूनिवर्सिटी कॉयर प्लीज फॉर संस्कृत मंगलाचरण. बुद्धम त्रैलोक्यनाथम सुरवरानमीतम पार संसारतीर्णम धीरम गांभीर्यवंतम सकलगुणनिधिम धर्मराजाभिषितम तृष्णा मोहांतकारम कलिकलुषहरम कामलोभादवंदम तं वंदे शाक्यसिंहम प्रणमितशिरसा सर्वकालं नमामि सर्वकालं नमामि वंदे श्रीवर्चसत्वं भुवनवरगुरुं सर्वभूतं भवन्तं नानारूपं जिनेन्द्रम तिमिरभयहरम निर्मितम मेरुशांतम धर्माधारम मुनीनाम जिनगुणशुभदम मंडलम वज्रदातुम सर्वानंदैकरूपं परमसुखमयं तेहि नामो शहेतुं देहि नामो शहेतुं संगस्त्रैलोक्यबंधुर् गुणगणानिलायो बोधिचिता सुचिता बोधिशानंदसिदो विजितकलिमलो हेरुको नीलदंडा बुद्धा सारंगराजो विजितगुणगणा सर्वसत्वानुकंपी तुष्टा सर्वार्थ सिद्धिं ददतु समरसा मंगलं बोधिसत्वा मंगलं बोधिसत्वा. थैंक यू. Can we have the university choir for the Tibetan Mangalacharan, please?
सो मच। आज जिस टॉक के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, अगर आप इस टॉक का टाइटल देखेंगे तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। व्हेन आई वाज टाइपिंग इट, इट इमीडिएटली कॉट माय आईज। वेस्टर्न फिलोसॉफी में एक बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है, एक डिफरेंस है बिटवीन बीइंग एंड बिकमिंग, विच गोज अप टू अ ट्रांसेंडेंटल लेवल। And I'm sure the speaker of today with his mammoth knowledge will be shedding a lot of light on this. मुझे बहुत खुशी होती है आज आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस कराने में, क्योंकि अगर आप इस टाइटल को देखेंगे तो ये बताता है कि अगर आप थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करें तो शायद लाइफ में बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप बन सकते हैं। तो एक वक्ता के लिए इससे बड़ी सुख की अनुभूति नहीं हो सकती कि वो खुद बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर 1975 में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आपने ज्वाइन की अपनी मेहनत के बल पे, उसके बाद भारतीय सेवाओं में चाहे वो कस्टम्स रहा हो चाहे वो सर्विस टैक्स रहा हो, आपने कई बड़ी बड़ी पोजीशंस पे इंडियन गवर्नमेंट को सर्व किया। आपकी काबिलियत को देखते हुए ही इंडियन गवर्नमेंट हैज काइंड ऑफ गिवन हिम द क्वालिटी ऑफ बीइंग द माउथ पीस फॉर द ट्रेनर। आप कई कंपनियों में, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, कई यूनिवर्सिटीज में, भारत ही नहीं बल्कि विश्व की भी कई नामी यूनिवर्सिटीज में
अपनी टॉक्स के द्वारा इतना कुछ अर्जित कर चुके हैं कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स. इफ यू आर प्रिटी क्यूरियस अबाउट दिस, यू मस्ट गो ऑन यूट्यूब चैनल एंड टाइप धम्मदीप. ये एक इतने कमाल का यूट्यूब चैनल है जो हमारे चीफ गेस्ट ऋषिकेश शरण जी ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है इतने सालों से. मैं कल से उसको बहुत ध्यान से देख रहा था तो पता चला कि कितने कमाल की चीज है कि एक इंसान जो मटेरियलिज्म और पैसों से रिलेटेड एक व्यवसाय में आता है और वो कैसे बुद्धा के गुणों को, बुद्धा की सीख को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उसे एक नई ऊंचाइयों पर ले जाता है. ये अपने आप में बहुत अद्भुत चीज है. आपने न सिर्फ कॉमर्स इकोनॉमिक्स बट इग्नू से क्रिएटिव राइटिंग में डिप्लोमा करके हिंदी में, इंग्लिश में कई पुस्तकों पे भी काम किया है और मैं इनकी कुछ आउटस्टैंडिंग पब्लिकेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा. हम सब जानते हैं लाइट ऑफ एशिया एंड आई एम श्योर इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन बिट्स एंड पीसेस एज वेल एज अ फुल बुक इन आवर सिलेबस ऑल्सो. आपने इसका भोजपुरी में ट्रांसलेशन किया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, इसका पोइटिक फॉर्म में अलग ट्रांसलेशन किया, प्रोज फॉर्म में अलग ट्रांसलेशन किया, यानी गद्य और पद्य में भी इन किताबों को इतने खूबसूरत रूप से दुनिया के सामने रखा है कि मुझे लगता है लाइट ऑफ एशिया की जो वेस्टर्न फिलॉसफी ने अपनी चीजों को छुपा के रखा था वो बहुत ही बारीकी से और खूबसूरती से दुनिया के सामने रखा है. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू introduce you to a person who literally has become a living legend today. He has been a global trotter. दुनिया के कई देशों में, चाहे वो सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, भूटान है और कई अफ्रीकन देशों में भी तथागत के ज्ञान को, अपने जीवन को ये समर्पित कर चुके हैं और कई जगहों पे इन्होंने जाके बहुत खूबसूरती से बुद्धा की शिक्षा को आज की जो मॉडर्न मटेरियलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम है उसमें आत्मसात कर लिया है. व्हेन वी टॉक अबाउट हिज यूट्यूब चैनल वी मस्ट आल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ दी अदर सोशल मीडिया हैंडल्स विच ही रन्स. आई एम नॉट ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट फेसबुक, बिसाइड्स दैट आल्सो यूट्यूब पे कई ऐसी सोसाइटीज हैं जिसमें सर के लेक्चर आई थिंक वीकली और मंथली रूप पे अपलोड होते रहते हैं. उसमें आपको सबसे जो अद्भुत चीज निकल के आएगी वो है इंटर रिलीजियस इन डायलॉग फेथ. एक धर्म का दूसरे धर्म की भेदभाव समानताओं को आपस में देखते हुए आप कैसे ये बता सकते हैं कि बुद्धा हमेशा से प्रासंगिक थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे. विद दिस सफिशियंट थियोलॉजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड हेल्प मी वेलकमिंग अ रिनाउंड एजुकेशनिस्ट, अ ग्रेट सोशल सर्वेंट, स्टूडेंट एज वेल एज अ मास्टर ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, हेल्प मी वेलकमिंग श्री ऋषिकेश शरण जी फॉर हिज टॉक. नमो बुद्धाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. परम श्रद्धेय, परम आदरणीय प्रोफेसर वांगचुंग दोर्जे नेगी जी, कुलपति महोदय, आपने जो अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय मेरी प्रार्थना को सुनकर समय निकालने के लिए स्वीकृति दी, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ. उस प्रार्थना को कार्यान्वित करने में सुनीता जी ने जो सहयोग दिया और अल्पकाल में इसकी व्यवस्था की, उसके लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ. भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह मनुज नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. मुझे तोड़ लेना बन माली, उस पथ पर ले देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे
वीर अनेक, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। दोस्तों, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की यात्रा ये बड़ी ही फैसिनेटिंग रही है। बचपन से देखता रहा कि जब कभी हम लोग सब्जी खरीदते थे, आप 200, 400, 500 कितने भी मूल्य का सब्जी खरीदिए, जब तक सब्जी वाला अंत में थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा मिर्च मुफ्त का नहीं देता था, तब तक हमारे चेहरे पर तो मुस्कान नहीं आती थी। गांव में, मैं गांव से आया, गांव में दूध वाला दूध लेकर आएगा, आप 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, जितना लेना है ले लीजिए, लेकिन अंत में एक याचक की तरह आप देखते रहते हैं दयनीय दृष्टि से, जब तक वो 2 चम्मच नहीं देता है चेहरे पे खुशी नहीं आती। तो जिंदगी जो है, ईश्वर ने, कुदरत ने, भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने जो भी बनाया, ईश्वर ने तराजू बिल्कुल समतल बनाया। अब तो दूसरे तरह का तराजू आ गया है, उसमें मीटर पे पढ़ते हैं, लेकिन पुराने जमाने में इस तरह का तराजू था, एक छोटा सा आलू इधर डालिए इधर गिर जाएगा, उठा दीजिए उधर जो। जिंदगी दोस्तों वैसी ही है। और इसको मैंने प्रैक्टिकली कब महसूस किया, 1991 से 1994 तक मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आई वॉज द चीफ ऑफ कस्टम्स, और मेरे यहाँ एयरपोर्ट का जो रेवेन्यू था, जो बाहर से पैसेंजर्स आते हैं या जाते हैं, उनसे टोटल रेवेन्यू करीब करीब 50 करोड़ का होता था साल भर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं अपने ऑफिसर्स को हमेशा कोशिश करता रहा हूँ, देखिए कि क्योंकि सच तो यही है कि मानव मन को अगर बांध कर नहीं रखा जाए, तो अगर उसको ऐसे ही फ्री छोड़ दिया जाए, तो मानव मन की टेंडेंसी यही है, आप सभी विद्वान हैं ज़्यादा जानते हैं, मानव मन की टेंडेंसी है कि वो जैसे पानी पहाड़ से ऊपर से नीचे आता है, मन हमेशा अधोगति की तरफ नीचे ही जाना चाहता है। तो जैसे ट्रेडमिल पर खड़े रहने के लिए आपको दौड़ते रहना है, उसी प्रकार मानव मन को भी सही रखने के लिए आपको कार्य करते रहना है। तो मैं अपने अफसर से कहता था, अफसर लोगों से कहता था, क्योंकि बार बार ट्रेनिंग देता था कि कुछ तो असर होगा, तो ट्रेनिंग देता है उनसे मैं अपने अफसर से क्या कहता था कि देखिए, ये पैसेंजर 16 घंटे 17 घंटे की यात्रा करके अमेरिका से बड़े बड़े दूर से फ्लाइट से आते हैं और आपके पास काउंटर पे आके खड़े होते हैं। अब आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके चेहरे के हाव भाव से थोड़ा तो लगना चाहिए कि वो अपने देश में आए हैं, उनका स्वागत है। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, कानून के अनुसार ही काम करिएगा, थोड़ा सा कुछ करिए चेहरे का हाव भाव से, लगना चाहिए कि दे शुड फील द वाइब्रेशन कि अच्छा है। और मैंने उनको इंकरेज किया कि आप जानबूझ करके एक एक आदमी का की एक एक चीज को खोल करके और हर चीज का कैलकुलेट करके ड्यूटी मत लीजिए, बी लिबरल। क्योंकि मेरा व्यू था कि अगर 50 करोड़ के रेवेन्यू में अगर मैं जरूरत से ज्यादा भी लिबरल हो जाऊंगा, तो घट करके 45 करोड़ हो सकता है, और अगर मैं बहुत सख्ती कर दूंगा तो 50 से बढ़कर 55 हो सकता है, उससे ज्यादा इन दोनों एंड में नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा करके मैं जो गुडविल अर्न करूंगा, भारत सरकार 100 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट भी विदेश में कर देगी, उससे वो गुडविल नहीं मिलेगा जो बाय वर्ड ऑफ माउथ जाएगा लोगों के। तो मैं इसको इंकरेज करता था, और उस समय मुझे बहुत खुशी हुई जब एक बार हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन एक बार विदेश से आ रहे थे, तो वो प्लेन में बैठे थे फर्स्ट क्लास में, और उनके ऐसे ही बातचीत चली, बगल का पैसेंजर ने कहा कि आपका दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत
अच्छा हो गया, अब वहाँ पर लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, तो दिस केम एज ए गुड कम्प्लीमेंट। तो वहीं से ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा 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 दिमाग में बात घूमती रही। अब ये जो शब्द आया आज का जो ये है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मान लीजिए आपको याद होगा कि बचपन में हम लोग कहानी सुना करते थे जिसमें कि एक राजा अपने चार पुत्रों को, पांच पुत्रों को कहता था कि तुम ये लो 500,000 रुपया, ये लो, 2 साल के बाद तुम आकर के बताना कि तुमने इस पैसे का क्या किया, और तब मैं सुनूंगा, तब मैं निर्णय लूंगा कि किसको मुझे राज्य का उत्तराधिकारी बनाना है। तो मान लीजिए दोस्तों कि हम लोग जितने लोग यहां पे हैं, इंक्लूडिंग सर सुनीता, वी ऑल आर एट वन लेवल। मान लीजिए कि यही इन इंस्टीट्यूट से हम लोग की भी उम्र कम है, हम सभी आज के दिन यहीं से कोई भी डिग्री पास करके और निकलते हैं, वी आर एट द सेम लेवल प्लेइंग। एक ही जैसे मान लीजिए कि रेस होता है, तो रेस में एक लाइन खींची जाती है और सभी लोग हम लोग इस तरह से खड़े दौड़ने के लिए, वी आर ऑल इक्वल। ठीक है, शूटिंग होती है, दौड़ शुरू हुई, 5 साल 10 साल जिंदगी की रेस में, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, हम लोग जो सब यहीं से शुरू किए थे, क्या वी विल अगेन बी एट द सेम प्लेस ऑल ऑफ अस? नहीं, कोई आगे जाएगा, कोई पीछे रहेगा, आगे पीछे किए हो। तो हम लोग जो लेवल प्लेइंग में हैं, इतने लोग, उनमें से मान लीजिए मिस्टर एक्स ने डिसाइड किया कि नहीं नहीं मुझे तो ऑर्डिनरी नहीं रहना है, मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा करना ही है। तो क्या करते हैं वो, ज्यादा नहीं, हम लोग को मान लीजिए लेवल प्लेइंग मिला, वन यूनिट मिला, उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे जरा सा अपने अंदर में बदलाव लाना है, ज्यादा नहीं, 1%, 1%, तो 1% of 1 is 0.01। वो उन्होंने अपने आप में बदलाव लाया तो कल होकर के वो 1.01 हो जाएंगे, फिर परसों जाकर के 1.01 टू द पावर 2 हो जाएंगे, 3 दिन के बाद 1.01 टू द पावर 3 हो जाएंगे, और इस तरह से वो लगातार अगर करते जाते हैं तो 365 दिन के बाद आप देखेंगे गूगल बाबा की मदद से, उनको मैं हनुमान जी मानता हूं क्योंकि जो कुछ भी नहीं समझ में आता है उनको पूछिए वो बता देते हैं, तो 1.01 टू द पावर 365 आप देखिएगा 37.78 आता है। मतलब आपने एक से शुरू किया और आप 38 तक पहुंच जाएंगे। केवल करना क्या है, सिर्फ थोड़ा 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 अपने अंदर बदलाव लाते रहिए, लगे रहिए, लगे रहो मुन्ना भाई, तो लगे रहिए। दूसरी तरफ मान लीजिए मैं सोचता हूं कि अरे भैया क्या है, मान लीजिए कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आ ही गए, अब सरकारी नौकरी में क्या करना है, ये तो एक ट्रेन में चढ़ गए, अब तनख्वाह मिलेगी ही, काम करें नहीं करें कुछ भी करें, रिटायरमेंट के समय सारे पर्क्स तो मिलेंगे, काम करें नहीं करें कोई, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को नेग्लेक्ट करता हूँ, आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड विद माई सेल्फ, तो ज़्यादा नहीं सिर्फ 1%, तो आज मैं 1 हूँ, कल 1 - 0.01 0.99 हो जाऊंगा, परसों जाकर के 0.99 टू द पावर 2 हो जाऊंगा। इस तरह से साल भर तक इसी तरह से अगर अपने आप को नेग्लेक्ट करता रहा तो 0.99 टू द पावर 365 0.08 हो जाऊंगा। मैंने एक से यात्रा शुरू की थी, एक से मैं करीब करीब 0 तक पहुंच गया, मैं हीरो था, 0 हो गया, और दूसरी तरफ जिसने उधर जाने की चेष्टा की वो 1 से बढ़कर 38 तक पहुंच गया। यही बिल्कुल फंडा है दोस्तों, जिंदगी का यही फंडा है, इस पे हजारों उदाहरण हैं, और इस पर तो मैं या आज के दिन ये सोच कर आया था कि अगर कोई मुझसे इस पर बाजी लगाना चाहे, बेट लगाना चाहे, तो आई एम रेडी टू बेट इट। इतने एग्जाम्पल्स हैं, 2 चीजें, आग होनी चाहिए To grow for that 1%, एक आग होनी चाहिए, और दूसरा सस्टेन्ड वे में लंबे समय तक उस खेल को खेलना है। जिंदगी को T20 मैच की तरह मत लीजिएगा, 50 ओवर के खेल की तरह भी मत लीजिएगा,
जिंदगी को एक टेस्ट मैच की तरह लेकर देखिए, लंबे समय पर जिंदगी झक मार कर। थ्री इडियट्स फिल्म आपने देखी होगी, थ्री इडियट्स फिल्म देखी होगी, पीछे वाले तो देखे होंगे, सब लोग नहीं देखे होंगे जो सैफरन में हैं, लेकिन पीछे वाले तो देखे होंगे, बिटल में तो देखे होंगे। तो उस फिल्म में शाहरुख खान क्या कहते हैं, अच्छा आमिर खान क्या कहते हैं, आमिर खान कहते हैं काबिल बनो कामयाबी झक मार के। भोजपुरी में एक शब्द है झक मार के, मतलब मैं नहीं चाहता हूं लेकिन मजबूरी में मुझे करना पड़ता है। तो कहते हैं कि आप अपने आप काबिल बनाइए, कॉम्पिटेंट बनाइए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो क्या चाहता है रे, इतना कॉम्पिटेंट कर दे कि खुदा को खुद आना पड़ेगा, बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्या मन आपकी मंशा है क्या, जो आपने मजबूर कर दिया मुझे आकर आपको पूछने के लिए। तो ये अब इस पर एक तो ये कि आपके अंदर आग होनी चाहिए और लंबे समय तक खेल खेलने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। चलिए मैं कुछ उदाहरण देता हूं। अगर जब आप जाते हैं बॉम्बे जाइए, हमारे कस्टम हाउस को जरूर देखने जाइएगा। कस्टम हाउस के बाहर में एक जमादार है, कस्टम्स का जमादार, बापू जमादार, उसकी मूर्ति लगी हुई है। हमारे डिपार्टमेंट में सबसे ऊंचा का पोस्ट है चेयरमैन का, अभी तक 50-60 चेयरमैन हुए होंगे। मैं चीफ कमिश्नर के पोस्ट से रिटायर किया, मेरे रैंक में भी 1000-2000 अफसर तो होंगे ही, उनमें से किसी की मूर्ति नहीं है। और जमादार सबसे नीचे का अफसर है डिपार्टमेंट का, उसकी मूर्ति लगी हुई है। क्यों? उसके गांव में, वो अब नहीं है दुनिया में, उसके गांव में अगर गूगल पे डालिएगा बापू जमादार, उसके गांव में गांव वालों ने उसकी एक मूर्ति लगाई है, जैसे गांधी जी की मूर्ति होती है, उसमें रोज पूजा करते हैं, ऐसा व्यक्ति उसको मानते हैं। क्या था, 1965 वगैरह के आसपास में जब हिंदुस्तान में स्मगलिंग पीक पर था, तो ये ऐसा शख्स था, और वो जो समुद्र से जहाज से आता था, ये इस शख्स की जब डॉक्स पे पोस्टिंग थी जहां पे शिप आते हैं, अगर उसकी ड्यूटी है तो क्या मजाल कि कोई हिम्मत करे स्मगलर कोई सामान लाने का, हिला देता था। तो अगर ऐसा उसने किया और जिंदगी भर किया, तो अगर मूर्ति लग गई तो आश्चर्य क्या है, क्या आश्चर्य है। मैं साइंस कॉलेज पटना में पढ़ता था, मेरे साथ एक और दोस्त होता था दया शंकर, मैंने 1975 में ज्वाइन किया, वो 78 में हमारी सर्विस में आया। मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पर एडिशनल कलेक्टर था, वो बंबई एयरपोर्ट पर असिस्टेंट कलेक्टर था, एक रैंक नीचे, क्योंकि 3 साल पहले बाद आया था। लेकिन उसको खुन्नस, ईमानदारी का खुन्नस उसको मुझसे भी 10 गुना ज्यादा था, और इतना खुन्नस था कि जब कभी दयाशंकर बंबई के एयरपोर्ट पर कस्टम्स ऑफिसर के रूप में जिस रात में दिन में शिफ्ट में है, स्मगलर लोग हांगकांग से, सिंगापुर से, दुबई से, बैंकॉक से, जब पता चलता था कि आज दयाशंकर ड्यूटी पे हैं, सारे स्मगलर्स अपने फ्लाइट्स कैंसिल करा देते थे। आज वो दुनिया में नहीं है मेरा दोस्त, लेकिन उसके नाम पर वडाला में मुंबई की सरकार ने एक चौक बना दिया, चौक बना दिया। पयोंग, जादव पयोंग, आपने नाम सुना होगा किसी ने, नॉर्थ ईस्ट से, मजूली के पास का रहने वाला, जोरहट में। आज से करीब 40-50 साल पहले जब यंग आदमी था, उसके 3-4 दोस्त थे, ये पढ़ने में 6ठी पास है व्यक्ति, सारे इसके दोस्त कोई सुपरिटेंडेंट ऑफ सेल्स टैक्स और वगैरह वगैरह हो गए। ये गांव में रहता था, अनपढ़ गरीब, तो देखता था कि गांव में जब बाढ़ आती है तो सांप बहुत कट करके आते हैं। उसने अपने बड़े बुजुर्गों से पूछा तो कहा कि ये पेड़ जो कट रहे हैं उसी के कारण सांप बहत के आ रहे हैं। उसने प्रण लिया कि मैं पेड़ लगाऊंगा, पेड़ लगाना उसने शुरू किया।
आज 550 हेक्टर में उसने मजूली के पास जोरहट में लगा दिया है और उस फॉरेस्ट का नाम उसी के नाम पर दिया गया। 2015 में उसे पद्मश्री मिला एंड ही इज डिक्लेयर्ड एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। माउंटेन मैन की कहानी तो आपको सबको मालूम ही है, आपने फिल्म भी देखी होगी कि कुछ लोगों ने देखी होगी, हाथ उठाइए। माउंटेन मैन, उसको अगर एनालाइज करिए मैनेजमेंट जिस प्रिंसिपल को हम लोग लेके चल रहे हैं, कभी ना कभी दशरथ मांझी को तो उसने कसम खाई ना, जब उसकी पत्नी आई और गिर गई और माथे पर उसका मिट्टी का घड़ा था, वो गिर गया, उसका खाना बर्बाद हुआ, तो उस दिन उसने कसम खाया, तुमने मेरे बर्तन को तोड़ा है, मैं तुम्हारे सीने को तोड़ूंगा। और फिर जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसकी पत्नी की, क्योंकि दवा नहीं ला पाता है, तो फिर कसम खाता है कि मैं तुम्हारे सीने को फाड़ करके ही रहूंगा। सारी दुनिया उसे पागल डिक्लेयर करती है, लेकिन वो 22 साल तक लगा रहता है, लगे रहो मुन्ना भाई, लगा रहा। और अगर मैंने कोशिश की गूगल बाबा पे देख करके, 1.01 to power 22 into 365, इनफाइनाइट, गूगल बाबा जवाब नहीं दे पाए, तो अगर 22 साल तक उसी तरह से करता हुआ, अगर मान लीजिए उसके पास कपड़े नहीं है तो बोरे को, सीमेंट के बोरे को ओढ़ करके, पहन करके जाड़े में अगर काम करता है और 22 साल में कर देता है, तो इसमें आश्चर्य क्यों होना चाहिए? करने वाला होना चाहिए, वो 1% वाला आदमी होना चाहिए, और वो 22 into 365 करने वाला आदमी होना चाहिए। मैं अक्सर पूछता हूं और आपसे पूछता हूं, शाहजहां ने अपने पत्नी के प्रेम के लिए ताजमहल बनवाया और दशरथ मांझी ने सड़क भी बनवाई अपने पत्नी के प्रेम के लिए, दोनों के प्रेम को तराजू के दो पलड़े पर रख दीजिए, किसका पलड़ा भारी होगा, शाहजहां का पत्नी का प्रेम या दशरथ मांझी का अपने पत्नी के प्रति प्रेम? बताइए, दोनों इक्वल होगा? मांझी का, क्यों? खुद किया। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो मैं तो देख लीजिए, मैं आज पहले फिर आपको उसी फिल्म का डायलॉग बोलता हूं, थ्री इडियट्स का। प्रिंसिपल साहब जा करके वहां पर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, आमिर खान जाकर के उनको पकड़ लेते हैं, कहते हैं सर ये ऐसे भी होगा, तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि ये अब तुम मुझे पढ़ाओगे कि कैसे पढ़ाया जाता है, तो कहता है कि मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं ऐसा शिक्षक हूं जो विद्यार्थी को तब तक नहीं छोड़ता हूं जब तक वो पूरी तरह समझ नहीं जाता, स्वीकार नहीं कर लेता है। तो दोस्तों, आज मैं उसी मूड में हूं, मूड में हूं, रोल में हूं, और मैं दोनों जो हमारे पूज्यवर हैं उनकी स्वीकृति के साथ कह सकता हूं कि आज आपको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, जब तक आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके पार्टिसिपेशन के लेवल से मैं ये नहीं स्वीकार करूं कि नहीं आप मेरे साथ हैं। अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो चलिए चलेगा, मेरी फ्लाइट 5 बजे है, छूट जाएगी छूट जाएगी, चलेगा, रिस्क लूंगा, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, इसलिए आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए। हाँ, मुझे पकड़, मैं पकड़ लूंगा, इतने इतने तो ये इसलिए शाहजहां तो शहंशाह था, उसके पास इतनी धन राशि होती तो एक क्या 10 ताजमहल भी बनवा सकता था, लेकिन हियर इज अ मैन जो खुद 22 साल तक तपस्या करता है, नेचुरली उसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा। नहीं मानते, चलिए सर, यू एवरीबॉडी एक ही था, चलिए चलिए एक ही था, चलिए अलग, चलिए ठीक है।
हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सिल्कल, विद्वानों में मतभेद है, होना भी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा आप ये बताइए, चलिए रसगुल्ले का आविष्कार किसने किया? रसगुल्ला आविष्कार था कि डिस्कवरी था, ये बताइए। हाँ, वॉज इट ए डिस्कवरी और वॉज इट इन्वेंशन? नो, नहीं, अगर इफ यू कैटेगराइज इन वन कैटेगरी ओनली, डिस्कवरी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी, तो आप न्यूटन का कहिए कि एप्पल गिरा, या आर्किमिडीज का कहिए कि नहाते हुए उसने देखा कि उसका वजन हल्का हो गया। जिस इन्वेंशन मतलब नई चीज बनाई गई ना, रसगुल्ला कहीं प्रकृति में तो एप्पल की तरह फरता नहीं। एनीवे, दैट इज, थोड़ा पानी दे दीजिए, पीने के लिए। जिस व्यक्ति ने, किस व्यक्ति ने इन्वेंशन किया रसगुल्ले का? हाँ, हाँ, आविष्कार किसने किया? अच्छा चलिए चलिए चलिए, देखिए मेरे पास समय कम है इसलिए मैं वो उसमें अभी बंगाल और बिहार और उड़ीसा में डिस्प्यूट चला, ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट तक और उसमें बंगाल जीत गया, तो ममता बनर्जी इतनी खुश हुई कि पूरे बंगाल में उन्होंने रसगुल्ला बंटवाया, तो इसका श्रेय बंगाल को जाता है। और एक सज्जन है एन सी दास करके, 250 साल पहले, 300 साल पहले उन्होंने रसगुल्ले का इन्वेंशन किया था। ही वॉज सच ए जीनियस, विद इन 15 डेज उन्होंने रसमलाई का किया, क्रीम चॉप और जितनी मोस्ट ऑफ द स्वीट्स हैं बंगाल की सुंदर, वो सब उन्होंने किया। आज के दिन एनसी दास, जिन्होंने रसगुल्ले का इन्वेंशन किया, उनकी दुनिया में कितनी जगह दुकानें हैं? गेस करिए। चूंकि समय कम है, मैं ही उत्तर दे देता हूं। सिर्फ दो जगह, बंगलोर में और कलकत्ते में। कलकत्ते में भी 5-6 जगह उनका आउटलेट है, बंगलोर में भी 5-6 जगह आउटलेट है, लेकिन इन दोनों जगहों को छोड़ करके दुनिया में कहीं भी उनकी दुकानें नहीं है जिसने रसगुल्ले का इन्वेंशन किया था। अब लीजिए दूसरी कहानी, हल्दीराम। हम लोग बच्चे थे तो हल्दीराम का नाम नहीं सुना, आप लोगों ने भी इधर 40-50-60 साल की ही कहानी है सारा का सारा हल्दीराम। और 4-5 साल पहले मैं एक बार उनके नोएडा के आउटलेट में गया, सेक्टर 62 में, उन्होंने एक बड़ा सा दुनिया का नक्शा बना रखा था उस समय, और उस नक्शे के अंदर उन्होंने दिखाया था 62 कंट्रीज उस समय जहां उनका प्रोडक्ट बिकता था, और वहां लिखा था 100 प्रोडक्ट्स। उस समय वो 62 कंट्रीज में छाए हुए थे और 100 प्रोडक्ट्स को बेचते थे। एनालाइज करिए, एनसी दास भद्र मानुष, बंगाल में जैसे लोग मान लीजिए कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरा बिल्कुल, और वो पान खा करके अपना वो रिक्शा पे चलते होंगे, भद्र मानुष, नथिंग ऑब्जेक्शनेबल, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग ऑन दैट, भद्र मानुष। ही डिडंट ड्रीम, सो हिज ग्रेट ग्रैंडसन्स हैव ओनली शॉप्स इन टू प्लेसेस। हल्दीराम हैड ए वेरी मैसिव ड्रीम टू एक्सपैंड, 62 कंट्रीज 5 ईयर्स अगो, 100 प्रोडक्ट्स। सिनेरियो देखिए, एक आदमी जिसने सपने नहीं देखे, भद्र पुरुष, खत्म। एक आदमी जिसने अच्छे सपने देखे, कहां से कहां पहुंच गया। एक आदमी ने जिसने गलत सपने देखे, कहां से कहां पहुंच गया। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि 1% का सपना देखना है, लेकिन सपने सही होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, और नहीं तो उसका हश्र आपने देखा। सोच, हमारी सोच
ही वह चीज है जो हमारे लिए सारा का सारा इंजन का काम करती है। जैसे मोटर कार में इंजन है, सारी गाड़ियां जो चमचमाती हुई दिखती हैं देखने में सब एक ही जैसी लगती हैं, बट आर दे ऑल द सेम? आप बॉनेट खोलिए फिर देखेंगे कि देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन देम। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस दिखा इन तीनों चारों सिचुएशंस में, एनसी दास, हल्दीराम, हल्दीराम का ऑपोजिट, उसमें क्या कॉमन फैक्टर है? सोच, सोच, सोच। और आप लोग तो इतने विद्वान हैं, बुद्ध का सारा साहित्य तो सोच पर ही निर्भर है। पहली गाथा, मैंने महायान तो अध्ययन नहीं किया है इसलिए मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने थेरवाद में धम्मपद को जो पढ़ा है उसके आधार पर पहली गाथा कहती है कि मन ही सब कुछ है। अगर मनुष्य अपने मन को अपवित्र करता है, कलुषित करता है, निगेटिविटी से भर देता है तो जीवन में दुख उसका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ेगा जैसे बैलगाड़ी में बैल के पैर के निशान पहिए के निशान का साथ नहीं छोड़ते। इसके विपरीत अगर वो जीवन में पॉजिटिविटीज को लेकर चलता है, शुद्ध मन से काम करता है तो जीवन में सुख उसका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ेगा जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका साथ नहीं छोड़ती है। और फिर उसी में गाथा में कहते हैं, 40 और 41 शायद गाथा है, उसमें कहते हैं कि जितना नुकसान हमारे सारे शत्रु मिलकर, दुनिया में सारे शत्रु मिलकर जितना नुकसान हमारा नहीं कर सकते हैं उतना नुकसान हमारा माइंड कर जाएगा अगर गलत दिशा में लगा हुआ है। और इसी प्रकार अगर अच्छी दिशा में लगा हुआ है हमारा माइंड तो जितना भला कर जाएगा उतना भला हमारे माता पिता मित्र बंधु सभी मिलकर भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे दूध से दही जमने में समय लगता है वैसे ही अगर हम गलत विचार रखते हैं या अच्छे विचार रखते हैं तो ये उम्मीद मत करिए कि तुरंत इमीडिएटली उसका फल मिल जाएगा। जैसे घड़ा भरने में समय लगता है, बूंद बूंद भरते भरते समय लगता है, उसी प्रकार अच्छे सोच या गलत सोच का भी परिणाम मिलने में समय लग सकता है। चाइना में एक बांस का पेड़ होता है, अगर उसका बीज अगर आज आप धरती पर डालेंगे तो उसका पेड़ 5 साल तक जमीन से नहीं निकलता है, 6ठे साल जब वो निकलता है तो एक ही बार में 90 फीट निकलता है। आप क्या कहेंगे, वो पेड़ 5 साल 6 साल तक मरा हुआ था? मरा हुआ नहीं था दोस्तों, इसलिए कि नहीं दिख रहा था, यू कांट से दैट इट वॉज डेड। इसी प्रकार हम अगर अच्छी या बुरी सोच रखते हैं उसका परिणाम तुरंत नहीं दिखता है तो इसका मतलब कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों या कुछ वर्षों बाद नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो इसलिए मैं जो कुछ भी आज आपके सामने कह रहा हूं मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, मैंने उसको जीवन में देखा है इसलिए कह रहा हूं। और इसलिए ये पहला पोस्टुलेट जो मैंने देखा सोचा है जिंदगी ये जो हमने देखा कि ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे हो जाएंगे, इसके पीछे भी कुछ पोस्टुलेट्स हैं। एक पोस्टुलेट जैसे मान लीजिए हम लोग सभी चलते हैं गंगोत्री या गौमुख, गौमुख चल करके और वहां पर चल करके हम लोग गौमुख में ही गंगा में पोटेशियम साइनाइड डाल देते हैं, क्या हमको कुछ और करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, गंगा वहां से निकलेगी, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, अपना यहां ये गंगा सागर सब जगह जहरीली ही जहरीली रहेगी। इसलिए अगर हम अपनी सोच को केवल गलत कर दें तो फिर हमारा अनर्थ हो ही जाएगा। हमने ये आपको बताया, एक चीज और बता दूं कि महेश जी ने कहा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में मैंने लेक्चर दिए, दोस्तों मैंने यूनिवर्सिटीज में लेक्चर नहीं दिया है, स्कूल्स में दिए हैं। और स्कूल्स में क्या दिए हैं तो ये स्कूल्स में कुछ चीजें ऐसी थी जिसको हमने भी छोड़ा नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई अंक बताइए 73 को अगर आप 125 से गुना करिएगा तो 9125 होगा और 73 को अगर 25 से करिएगा तो ये 1825 होगा और 73 को अगर 5 से करिएगा तो 365 होगा। 100 से ऊपर का कोई अंक बताइए महेश जी, 125 को 125 से गुना करिएगा तो 156.25 होगा। 100 से नीचे का कोई बोलिए, 95 95 इंटू 95 करिएगा तो 90.25 होगा।
तो मैं आपको ये बता रहा, ये आपको थोड़ा सा आश्चर्यजनक लग रहा है ना, कुछ तो है। अरे यार दोस्तों, हां या ना बोल तो दो, कुछ तो दम है कि नहीं है या सीधे हवा निकली हुई है, कुछ तो बोल दीजिए यार। मत कितना मुझसे मेहनत कराइएगा, मैं कितनी बार पीछे आऊं आपको पकड़ने के लिए। हाँ, तो कहने देखिए, मैं बिहार में मेरा रैंक नंबर वन नहीं था। आई स्टूड 17th व्हेन वी पास हायर सेकेंडरी। मुझसे ऊपर बहुत सारे दोस्त थे, सारे फॉर्मूलाज बताए भी गए मेरे भी मास्टर जी ने, स्कूल में 50 फॉर्मूला इस तरह का बताया होगा, 107 गुना 107 14 हो जाएगा, आप 93 गिन तो 93 86 49। मैंने क्या किया, मैं उनको भूला नहीं। जयपुर में मेरी पोस्टिंग हुई, मैंने सारा ऑफिस का काम है सो 6 महीने में खत्म कर दिया, मेरे पास काम था ही नहीं। एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, यहीं पर आपकी नियत जो है, नियत इंटेंशन, मोटिव, लाइफ का फिलॉसफी जो भी कहिए, वो आपका कमीज का पहला बटन है। सुबह में जब हम और आप तैयार होते हैं, आप अपने पहले बटन को जरा गलत लगा दीजिए दोस्तों। कुछ नहीं करना होगा जिंदगी में, सब अनर्थ हो जाएगा, करके तो देखिए और अच्छी नियत बना करके तो देखिए। मैंने जब 17 जुलाई 1975 को मसूरी में इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ज्वाइन किया, तो आप जानते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स, उस समय तो हम लोग का रेवेन्यू इनकम टैक्स से भी कितना गुना ज्यादा था। इनकम टैक्स वालों की तरफ हम लोग घूम के भी नहीं देखते थे, इतना हेय देखते थे। अब तो उनका भी कलेक्शन बहुत हो गया। ज्वाइन किया और जब जब किसी से मिले सर्विस में, कहां है कस्टम, ओह तब तो बहुत ठोके होंगे। यही पिच। तो मैंने जब ज्वाइन किया 17 जुलाई 1975 को, तो मैंने मसूरी में अपने आप से कहा और कसम खाई, कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी हो जाए, लोग मुझे बिल्कुल ही अनटैक्टफुल कहें, खराब एडमिनिस्ट्रेटर कहें, कहें इनको नॉलेज नहीं आया है, ये बिल्कुल नहीं जानते लॉ, कुछ नहीं जानते, बिल्कुल साइफर 0 0 0 कह दें, लेकिन दुनिया में कोई इस टैग नहीं लगा सकेगा जैसे दुकान के बाहर में लगा रहता है सूट पहना हुआ आदमी साथ, इस पर दिस इज फॉर सेल नहीं लग सकता, नहीं लगने देंगे। और इसलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रहा मैं। मैंने कहा आपको 3 साल तक उतना एयरपोर्ट पे कभी कोई नहीं रहा, मैं 2-3 मंत्री का। एक चीज और मैंने पहले ही सोचा था, देखिए दोस्तों जब मैं अपने अनुभव को बोल रहा हूं तो मेरी बहुत चेष्टा है कि मैं अपने आप को संयमित करके उस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रखूं, जिसमें मैं सिर्फ फैक्चुअली आपको बातों को कह सकूं, मेरा अहंग आपके सामने न आ जाए। लेकिन इस प्रक्रिया में अगर प्रमाद के वश अगर मैं कभी लक्ष्मण रेखा पार करता हूं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि वहां पर जरा हाथ उठा दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि मैं लक्ष्मण रेखा पार कर रहा हूं। थोड़ी अपनी ही प्रशंसा हो रही है जो वस्तु स्थिति नहीं बता रहा, तो मैं इतना तो सहयोग कर ही दीजिएगा, इतनी तो अपेक्षा मैं अपने मित्रों से करता ही हूं। तो दोस्तों ये मैंने शपथ खाई और इतने जगह पे रहा, 2-3 मंत्री का प्राइवेट सेक्रेटरी रहा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में एडिशनल डायरेक्टर ईडी में 2 साल ईडी में रहा, कलकत्ते में जब मेरी पोस्टिंग रही तो पूरा बिहार बॉर्डर के बाद बर्मा बॉर्डर तक कस्टम्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स, 5 कंट्रीज का लैंड कस्टम स्टेशन, सी कस्टम स्टेशन, एयर कस्टम्स, अंडमान, सारा का सारा सर्विस टैक्स, आई वॉज द ओनली चीफ कमिश्नर, ठीक है 25 कमिश्नर। दोस्तों तो कहने का मतलब है दोस्तों, नियत जो है, नियत अगर आपका ठीक है तो कुछ गलत नहीं होगा। और आपने सुनी कि कितनी किताबें उताबें लिखी, जरा जरा मैं थोड़ा उसका अपने जीवन से ही वो कहानी बता। मैंने काम किया जिंदगी भर स्मगलर्स को पकड़ने का, रेवेन्यू कलेक्शन का, अब वहां से फिजिक्स में एमएससी किया, लॉ की डिग्री, ये सब किया,
अरे वहां से बुद्ध को लिखने का कहां चला गया? आज के दिन अगर कोई, मैं नौकरी जिस समय मैंने ज्वाइन किया, अगर कोई कहता कि भाई रिटायरमेंट के बाद 74 साल की उम्र में तुम 8-10-12 किताब लिख दोगे, 18 किताब लिख दोगे, आई कुडंट हैव बिलीव्ड। लेकिन वही अब मुझसे पूछिए तो कोई कह देगा कुछ अब कुछ भी कारण, लेकिन मैं समझता हूँ कि कमीज का पहला बटन ठीक रखिए, सब ठीक ठाक रहता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या हुआ, जानना चाहिए, उत्सुकता है? यस और नो? यस और नो? मेरा प्रोमो ट्रांसफर हुआ दिल्ली से जयपुर। दिल्ली में मैं कमिश्नर गुड़गांव था, 4,500 करोड़ के साथ हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वाला कमिश्नरेट था। वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया जयपुर। जयपुर में कमिश्नर अपील्स बना दिया गया, कमिश्नर अपील्स बना दिया गया। तो वहाँ पे जब मैं कमिश्नर अपील्स बना, तो 6 महीने के अंदर ही सारा का सारा, ज़्यादा काम का नहीं था, पेंडिंग केसेस थे, 6 महीने के अंदर सारा का सारा काम ख़त्म कर दिया। हमारे डिपार्टमेंट ने 2002 में एक कमेटी बिठाई थी, केलकर कमेटी, जिसका मैंडेट था कि इनकम टैक्स और कस्टम्स डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए सजेशन दें। तो उनका एक सजेशन था कि सारे हिंदुस्तान के जितने ऑफिसेज हैं उनको ISO सर्टिफाई कराइए, ये कराने का था। हमारे डिपार्टमेंट में भी 13 जनवरी 2002 को आया नोटिस, 3 जनवरी को मीटिंग हुई थी। हिंदुस्तान में सिर्फ इतने जगह कमिश्नरेट हैं, सिर्फ 2 कमिश्नर ने इसको सीरियसली लिया, एक मैंने लिया और एक मेरे मित्र अहमदाबाद में लिए। हम दोनों की यात्रा शुरू हुई, उनको भी ISO मिल गया, मुझे भी मिल गया, कहानी खत्म हो गई। वहां से मेरा और दोस्तों एक चीज और है जिंदगी में, ये भी इसको प्रिंसिपल की तरह से ले लीजिए, अगर आप अच्छा करते हैं ना जिंदगी में, अच्छा करते हैं, तो एक गाना है ना, लत लग गई, सुना है आपने? सर आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूं, हाँ आप लोग बताइए, सुना है ना, लत लग गई। तो अच्छा काम करने की भी लत लगती है और गलत काम करने की भी लत लगती है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं ना, तो अगले दिन सुबह में उठिएगा और जाकर के शीशा में देखिएगा अपने आप को, चेहरा तैयार होकर के दफ्तर में निकलने के लिए, तो देखिएगा आपका कद जो है थोड़ा सा ऊंचा हो गया। और आपने गलत किया है तो महसूस कीजिएगा कि आपका कद थोड़ा, यस और नो? तो ये तो मैंने जब ये वहाँ पे ISO करा दिया, तो उसके बाद मेरा कमिश्नरेट जो ऑफिस था वो पूरा का पूरा हरियाणा किराए वराए के मकान में, मैंने उसको एक सेंट्रली एयर कंडीशन मकान में करवा दिया। हम लोग इंटाइटल नहीं थे तो हरियाणा गवर्नमेंट से उसको फ्री, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। एनीवे जब मैं जयपुर गया तो 6 महीने के अंदर में मैंने उसको ISO को छोड़ा नहीं, ISO को छोड़ा नहीं। वहाँ जा करके मैंने छोटा सा दफ्तर था, सब केस ख़त्म करके मैंने खुद अपना ही मैं एडवाइज़र बन गया, और वहाँ पर उस दफ्तर को भी मैंने ISO सर्टिफाई करा दिया कमिश्नर अपील्स का। दैट बिकेम द फर्स्ट ऑफिस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इनकम टैक्स एंड कस्टम्स पुट टुगेदर जो अपील्स का जो ISO सर्टिफाई हुआ, और मैंने छोड़ा नहीं। तो जहाँ कहीं भी ISO पे ट्रेनिंग होगी मैं चला जाऊँगा, जाके अटेंड करूँगा। और भारत सरकार ने सिर्फ 2 जगह हुआ था, अब सरकार में जैसा होता है अब कमिटी बनेगी, तो कमिटी में किसका किसको लेंगे, मुझे ही तो लेना पड़ेगा ना, मुझे अनुभव है। उस कमिटी में लिया कि पूरे हिंदुस्तान में अब इसको इम्प्लीमेंट करिए। तो इस तरह से सिलसिला, मैं भी उसमें इंटरेस्ट लेता रहा, जा करके मैं ये क्लासेस अटेंड करूंगा, लेक्चर अटेंड करूंगा, उसका लीड ऑडिटर का एग्जाम पास किया, लोग बुलाते रहे लेक्चर देने के लिए, मैं लेक्चर देने जाता रहा ऑल इंडिया रेडियो, STQC, BIS सब जगह। और मैंने एक महसूस किया है कि अगर मैं किसी भी विषय को 10वीं क्लास के विद्यार्थी को उस विषय को नहीं समझा सकता हूं, GST मेरा विषय है, मेरा विभाग है, अगर आप कहते हैं कि 10वें क्लास के बच्चे को आप, मतलब GST अगर आपने कहा कि समझाइए सर, अगर मैं 10वें क्लास के बच्चे को अगर नए GST नहीं समझा सकता, तो मैं मानता हूं कि मैं अच्छा समझाने वाला टीचर नहीं हूं। इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा रहा कि 10वां लेवल से तक मेरी पहुंच होनी चाहिए, मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा, 10वें क्लास के स्तर तक जाकर के ही बताऊंगा। इसलिए सभी जगह से डिमांड होने लगा, मैं जाता रहा। और दोस्तों 2012 में सोचिए, 2013 में जब मैं बंबई में रिटायरमेंट के 2 साल बाद बंबई में पोस्टेड हूं, तो भारत सरकार के सचिव डॉक्टर प्रजापति त्रिवेदी
जो ये प्रोग्राम ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के प्राइम मिनिस्टर के यहाँ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट का मेजर करने के लिए एक सेक्रेटरी होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के वो सेक्रेटरी है और वो आईएएस कोई मेरे बैचमेट नहीं है, वो हार्वर्ड से आए हैं डेपुटेशन पे। उनका शाम में फोन जाता है 12 जनवरी 2013 को कि शरण साहब कल हमारे यहाँ दिल्ली में 90 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स का आईएसओ सर्टिफिकेशन, सिटीजन्स चार्टर और विजिलेंस ये सीपी ग्राम्स का ये असेसमेंट है, उसमें आपका आना जरूरी है। और वहाँ से वो फिर टिकट भेजते, मैं जाता हूँ सीधा। तो दोस्तों अगर ये बताइए, अगर 12 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी, अगर 2-3 साल के बाद अगर सेक्रेटरी भारत सरकार का फोन करके आपको बुलाता है, और तो इसमें आप आश्चर्य क्यों होना चाहिए? आप उस प्रिंसिपल को बैठाइए ना। हिंदुस्तान में और किसी, मेरे अहमदाबाद के दोस्त ने भी उसको परसू नहीं किया, सिर्फ मैंने परसू किया। अब परसू किया 10 साल 12 साल जितना था परसू किया, तो परसू किया उसके बाद सेक्रेटरी बुलाता था, आश्चर्य होना चाहिए? टेल मी, शुड वी बी सरप्राइज? नो, यस और नो? यस और नो? यस और नो? चलिए, तो ये दिस कोरोबोरेट्स आवर थ्योरी कि बाय डूइंग एक्स्ट्रा वी स्टार्ट बिकमिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, मैं जब गया वहां जयपुर, सारा का सारा मैंने कहा काम खत्म, कोई गलत आदत लगी नहीं। एयरपोर्ट पे भी पोस्टेड था, तो ये सोचिए वो शराब कभी पिया नहीं कभी कुछ, तो ये लेकिन इतना जरूर था, ये कभी ड्यूटी फ्री शॉप में जाएंगे तो पूछे, अच्छा दिखाओ भैया कौन सा सबसे महंगा शराब मिलता है, जरा जानना तो चाहिए जन। तो ये वो दिखाएगा कोई ब्लू लेवल, सर ये ब्लू लेवल आजकल पता नहीं कौन लेवल, एनीवे। तो कहने का तुम कुछ, अब सवाल है कि मैंने जो कहा, कुदरत को, खुदा को, अल्लाह को, भगवान को, जो भी मानिए, झक मार के आना पड़ेगा। अगर आपके पास फ्री टाइम है, नियत आपकी अच्छी है, तो इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। आप एक्सेप्ट करिए, नहीं क्या हुआ? हुआ क्या? अब जब काम कुछ है ही नहीं, तो जयपुर में लिटरेरी सर्किल बहुत स्ट्रांग है, तो कुछ लोगों ने मुझे एक प्रोफेसर से भेंट हुई, तो उन्होंने एक किताब दे दी, डॉक्टर राम, ये एक किताब छपी 1879 में जिसका जिक्र किया गया, लाइट ऑफ एशिया, शायद आपके कहीं सिलेबस वगैरह में भी, जो भी है, 1879 में किताब छपी, इसके लेखक आयरिश जेंटलमैन, सर एडविन एर्नोल्ड, ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज पुणे। अब सोचिए आयरलैंड का आदमी आके प्रिंसिपल बन रहा है, तो ऑब्वियसली हिंदुस्तान के मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो हिंदुस्तान के लोगों से कुछ तो कॉम्पिटेंट होगा, इतना तो पॉलिटिक्स बेचारा नहीं खेल सकता आयरलैंड का कि प्रिंसिपल बन जाए। ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट, यस और नो? ठीक है, वो उन्होंने वहां पे प्रिंसिपल थे, फिर वहां से वो लंदन गए, लंदन जाके टेलीग्राफ न्यूज़पेपर जो है उसके चीफ एडिटर बने, और उन्होंने ये किताब लिखी द लाइट ऑफ एशिया, 1879 में छपी। इस किताब में बुद्ध के जन्म से लेकर के उनके परिनिर्वाण तक और सारी शिक्षा है, और कविता में है, और बड़ी क्लिष्ट अंग्रेजी है, बड़ी क्लिष्ट 1879 की, लेकिन इतनी अच्छी किताब है कि मत पूछिए। तो इस किताब का गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक बार ये किताब मेरे हाथ में आ गई तो जब तक मैंने इसको खत्म नहीं किया छोड़ा नहीं। तो ये किताब, इसका ब्रजभाषा में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने अनुवाद किया। हम लोग समझते थे कि ये डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल कवि नहीं है, लेकिन ये कविता देख करके आश्चर्य हुआ, सुखद आश्चर्य हुआ। तो मेरे दोस्तों ने वहां कहा कि अब शरण साहब ये तो ब्रजभाषा में, इसको बेस बना के आप इसको हिंदी में लिख दीजिए, आपके पास तो समय ही। मैंने कहा मुझे तो आता नहीं है, तो उन लोगों ने कहा हम लोग मदद करेंगे। तो ये लेकिन कविता जो है बड़ी ही टेक्निकल चीज है, इतना आसान नहीं है। जैसे मान लीजिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल रामा अंजनी पुत्र पवन सुत, इसका मीटर होता है, वर्ड्स होता है, उसमें सिमेट्री होनी चाहिए, जो एक कवि पकड़ सकता है, इसे मुझे कुछ नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा हम लोग करेंगे ना,
तब मैंने लिख दिया और उन्होंने उसको यह सब करेक्शन कर दिया। सुकुमार जी एक कवि थे, उन्होंने कर दिया। और फिर जब लिख दिया जगदाराध्य तथागत, तो मैंने उसको उसके मैन्युस्क्रिप्ट को भेज दिया हिज होलीनेस दलाई लामा के पास, उन्होंने उसका प्रीफेस लिख दिया। लेकिन आज भी उस किताब को देखिएगा तो मैंने उसमें ईमानदारी से लिखा है कि अगर मैं यह कहूँ कि यह कृति मेरे अग्रज श्री चंद्र सुकुमार जी की ही है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आई एडमिटेड कि इट वॉज बिकॉज ऑफ एनी वे, वो पुस्तक छप गई जयपुर के पोस्टिंग के बाद। फिर वहां से मेरा ट्रांसफर हुआ कलकत्ता एज चीफ कमिश्नर। फिर मेरे दोनों बेटियां नोएडा में नौकरी कर रही हैं, कोई जा नहीं सकते हैं, शादी हुई नहीं है, मेरा परिवार नहीं गया, मुझे बड़ा बंगलो मिल रहा था। मैंने कहा कि अरे यार ये तो हेडेक ही है। तो मैं थियोसोफिकल सोसाइटी का मेंबर रहा हूँ, वहाँ पे एक महाबोधि सोसाइटी के ठीक बगल में थियोसोफिकल सोसाइटी में एक कमरा है गेस्ट हाउस के रूप में, जिसमें कभी एनी बेसेंट रही थी, मैं भी उसी में एक कमरे में जाकर रहने लगा और वहीं पर। तो बस अब काम सब खत्म कर दीजिए ऑफिस का, तो फिर क्या है। अब महाबोधि सोसाइटी बिल्कुल बगल में है। तो ये अब उस समय किसी ने कहा कि ये बड़ी कठिन किताब है जो आपने ये कविता में की, मैंने उसको हिंदी में जगदाराध्य तथागत में कर दिया। फिर कुछ साल के बाद मैं थियोसोफिकल सोसाइटी गया, वहाँ अडयार मेरे अंग्रेज दोस्तों ने कहा कि अरे ये अंग्रेजी में भी कविता बड़ी कठिन है, मैंने उसको प्रोज में कर दिया। फिर वहाँ से मेरा जब ट्रांसफर हुआ दिल्ली, तो दिल्ली आया तो मैं मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, मैंने कहा ठीक है मैं भोजपुरी में करता हूँ, भोजपुरी में कर दिया। और वहाँ पर जब पोस्टेड था जब ये, तो वहीं पे बगल में ट्रेजरी ऑफ ट्रुथ एक करके किताब है, यहीं सुमेध भंते जो हैं जम्बूद्वीप श्रीलंका के वो जो हेड हैं, उन्होंने किताब दी, इतनी 5.5 किलो वजन की है शारदा थेरो की, तो वो उसको ले जाना ही मुश्किल है। तो उसको मैंने देखा अंग्रेजी में और बहुत ही मतलब क्या मतलब विद्वानों के लिए अति सुंदर है, विद्वानों के आप जैसे विद्वानों के लिए अति सुंदर है, हम लोगों के लिए वो बहुत ही कठिन है। तो मैंने सोचा कि इसको जरा सरल भाषा में किया जाए, तो फिर मैंने उसका हिंदी में अनुवाद करना शुरू कर दिया और हिंदी में उसका धम्मपद का 4 वॉल्यूम में अनुवाद कर दिया और वो ताइवान से छप के आ गई। उसके बाद मेरा जब दिल्ली ट्रांसफर हो गया तो एक बार हाई कमीशन श्रीलंका ने मुझे उनका एनुअल डे में इनवाइट किया था, तो वहाँ श्रीलंका के MP लोग थे, तो उनको और ये सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह थे, उनको मैंने हिंदी वाली किताब दी। तो उन्होंने कहा कि ये हिंदी तो कैसे समझ में आएगा हम लोगों को, आप अंग्रेजी में कर दीजिए। तो अंग्रेजी में फिर मैंने उसको अंग्रेजी में कर दिया। तो ये उसकी एक उसका एक सेट लेके आए हैं, ये अंग्रेजी वाला, इसकी प्रस्तावना भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने लिखी ये किताब, और 4 जो वॉल्यूम है आपकी लाइब्रेरी को कल मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो ये इस तरह से ये किताब छप गई। उसके बाद मैंने जैसा कहा कि गणित मेरा बड़ा प्रिय विषय रहा है, तो मैंने उसमें मंत्राज ऑफ मैथमेटिक्स करके 2 किताबें लिख डाली और ये सिलसिला चलता रहा। ये किताबें आपको ये अगर कोई सीरियसली आपकी लाइब्रेरी में भी दे दिया गया है, अगर आपको कोई सीरियसली इंटरेस्टेड हो तो मेरा नंबर भी है इसमें, आप मुझे खुशी होगी आपको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करने में, अच्छा लगेगा मुझे। देखिए दोस्तों मैं एक और सीक्रेट आपको बताता हूँ, सीक्रेट बताता हूँ। मैं जब रिटायर किया तो मुझे ये अरुणाचल के एक स्वामी जी ने मुझे इनवाइट किया उनके यहाँ 15 अगस्त के दिन एज ए चीफ गेस्ट, तो मुझे बुलाया तो मैं गया वहाँ पे नरोत्तम नगर में। तो वहाँ पर उन्होंने वो मुझसे ये 30-35 लेक्चर दिए, बहुत सारे धम्मपद पे दिए, फिर इंस्पिरेशनल टॉक्स दिए स्टूडेंट्स को, मंत्रास ऑफ मैथमेटिक्स वगैरह दिए, सब किए। तो ये उन्होंने एक दिन कहा कि शरण साहब जा कर के यहाँ सरकारी जो स्कूल है देवमाली में वहाँ जा कर के आप लेक्चर दीजिए। तो मैं गया वहाँ, अब सोचिए वो स्कूल है 1800 स्टूडेंट्स का देवमाली में, वो उस समय वो ये को एजुकेशन था, उसमें लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं, और बच्चे फर्स्ट जनरेशन के आए हैं गांव से, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग उसमें भाड़े का मकान लिए हैं, वहीं खाना बनाते हैं और वहाँ आकर के स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो मैं सुबह से लेकर आफ्टरनून तक वही मैथ्स का बहुत सारा शॉर्टकट वगैरह बताता रहा, और आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरी वो किताब एक्चुअली खत्म हो गई है, मंत्राज ऑफ मैथमेटिक्स और गणित के मंत्र, अभी मैं छपवाने अभी नहीं जा रहा हूँ, मूड में नहीं हूँ। तो लेकिन अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो 50-60 पेज की है, 40 पेज की होगी, उसमें जो फॉर्मूलाज है, अगर आपको हमको ईमेल करिएगा तो मैं ईमेल के अटैचमेंट में भेज दूंगा, आप उसको प्रिंट निकाल के यूज़ करिए, लाभान्वित होइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुशी होगी।
तो मैं सुबह से शाम तक वहां लेक्चर देता रहा और कहानी खत्म हो गई। 6 महीने के बाद मैंने फिर एक बार वहां के वाइस प्रिंसिपल साहब को, मैडम को भेजा कि मैडम बताइए कैसा चल रहा है स्कूल। तो उन्होंने कहा कि सर आपके लेक्चर के बाद हमारे स्कूल में गणित का परफॉर्मेंस बहुत ही इम्प्रूव कर गया। दोस्तों मैंने जैसे कहा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेसेस में रहा हूँ मैं, आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मुझे जो लाइफ में सबसे ज्यादा सुंदर रिटर्न गिफ्ट या कंप्लीमेंट मिला यही मिला, इससे ज़्यादा और कोई सुंदर नहीं मिला कि वहाँ पे स्कूल में मेरे लेक्चर के बाद बच्चों का परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर गया। तो उससे मैं एक और लाइफ के प्रिंसिपल को मैंने निकाला। जिंदगी में दोस्तों हमारी बैटरी डाउन हो जाती है, मोबाइल की बैटरी डाउन होती है ना सर, तो हम भी डाउन होते हैं जिंदगी में। जब कभी डाउन हो तो बस एक काम करिए, कुछ ऐसा जाकर करिए जिसमें आप रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद मत बनाइए, कुछ करिए, कुछ करिए जिससे कि रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद मत बनाइए और देखिएगा आपकी बैटरी अपने आप से चालू हो जाती है, चार्ज हो जाते हैं। ये मैंने अपने जीवन से जो कुछ भी कह रहा हूँ मैं अपनी आंखों से देखा कह रहा हूँ, किताबों की बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया वही बांटना चाहता हूँ। अब आप ये बताइए इतनी देर कितना देर हो गया, समय हो गया, अच्छा चलिए बता दें। सवा एक हो गया, ठीक है। मैंने जब 1975 में आईएएस का एग्जाम दिया तो एग्जाम देते समय कोई गारंटी तो नहीं है कि सिलेक्शन होगा, कोई गारंटी है नहीं है, तो कुछ सोचते हैं कि क्या करेंगे अगर। तो मैंने भी सोचा था कि सब कुछ जो करना है कर लेंगे कुछ भी, लेकिन जिंदगी में कान पकड़ा था लेक्चरर नहीं बनेंगे। मुझे नहीं मालूम क्यों, कल मैं सोच रहा था क्यों ऐसा था, तो मैं सोच रहा था कि शायद ग्लैमरस नहीं है पोस्ट, ग्लैमर नहीं है, इसलिए शायद ये कारण होगा। तो एनीवे मैंने सोचा था, खैर भगवान के पास है सिलेक्शन हो गया। मेरी जब पहली पोस्टिंग थी एज असिस्टेंट कलेक्टर शोलापुर, तो वहाँ पर जब ये पूना में जो कमिश्नरेट था वहाँ पर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया और उसमें सारे अफसर्स को जो फील्ड में अफसर्स थे उनको कहा गया कि आप आके यहाँ पढ़ाइए लोगों को, और जो ट्रेनीज थे यूडीसीज और एलडीसीज ये लोग थे मिनिस्ट्रियल स्टाफ, इन लोगों को। तो मुझे क्या सब्जेक्ट मिला, कंडक्ट रूल्स, टीए रूल्स, एलटीसी रूल्स। तो ये है क्या, आप मुथु स्वामी की किताब निकाल लीजिए या स्वामी की किताब निकाल लीजिए, टीए रूल्स में क्या है, ए क्लास सिटी में रहते हैं, वहां से बी क्लास सिटी में गए, वहां पर होटल में रुके, वहाँ से फिर एक गेस्ट हाउस में रुके, वहाँ खाना और रहना दोनों फ्री था, उसके बाद हम ऐसा एसी टू टायर में चल गए, एसी टू टायर के इंटाइटल नहीं थे, यही कैलकुलेशन करना है और क्या करना, यही है ना टीए बिल। तो वही पढ़ लीजिएगा, इतनी बुद्धि तो भगवान दिया ही है कि मतलब बता ही दीजिएगा। तो मैं पढ़ता गया बताता गया और ईश्वर की कृपा से हर बार वही कलेक्टर साहब वही देते थे, तो हर बार एक और काम किया उन्होंने, कह दिया कि जितने लोग लेक्चर देंगे सबका नंबर दीजिए। तो मैंने देखा कि मुझे तो 90-95 से कम कभी मिला ही नहीं, तो मैंने माथा ठोका, लगता है कि किस्मत में ही है, और उसी का परिणाम है कि आज मुझे अभी आप 1.5 घंटे से झेल रहे हैं। आप कह रहे होंगे क्या शरण साहब चले आते हैं, इनको जाके सठिया गए हैं, जा करके बैठना चाहिए था। लेकिन दोस्तों तो ये बहुत सारी चीज़ें ये जो बताई, आज के दिन मैं अपने आप को देखता हूँ, आप कोई भी, मैं आपको ये राय देता हूँ, एवरी वन ऑफ यू मस्ट बिकम, स्पेशली द यंग पीपल, यू मस्ट बिकम ए गुड स्पीकर। इट्स नॉट ए बॉर्न यू नो ट्रेट, इट कैन बी लर्न्ड एंड डेवलप्ड। और मैं इतना बता दूं कि इससे ज्यादा डरावना कोई और काम नहीं है। आप लोग सब इस प्रोफेशन में हैं, मैंने देखा है अपने दोस्तों को वाइस चांस, मतलब कितना कांप जाते हैं जब पब्लिक को एड्रेस करना होता है, बोलना होता है कि कांप जाते हैं। तो एनीवे मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपना डाटा बैंक बनाइए, स्पेशली आई एम टेलिंग द यंग पीपल। मेरे मुझसे अगर आप मान लीजिए, अगर आप मुझसे कहते हैं एक चीज पे टॉक दीजिए शरण साहब, जाको राखे साइयां मार सके न कोई,
बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। मान लीजिए आप ये कहते, इस पे बोलिए, चलिए मैं इसी को बात करके खत्म करता हूं। अमेरिका में एक घटना हुई, हिंदुस्तान टाइम्स में निकला, उसकी कटिंग मेरे पास है, डेट मांगिए बता दूंगा। एक आदमी जा रहा है नेशनल हाईवे पे, उसके साथ तीन घटना होती है एक ही साथ। उसकी गाड़ी जाकर के पेड़ से टकराती है, उसको हार्ट अटैक आता है उसी समय, और जो उसको एयर बैग निकलना चाहिए एयर बैग नहीं निकलता है। तो क्या होता है कि वो जो जा करके एयर बैग नहीं निकलता है, हार्ट अटैक होता है, पेट टकराता है, जा करके उसका हार्ट जो है सो स्टेयरिंग से जाके इतनी जोर से जाके टकराता है कि उसका हार्ट फिर चल देता है। इंसान जिंदा है। पटना में एक हवाई जहाज का एक्सीडेंट हुआ था सुबह सुबह, गर्दिन नई बाग का एक एरिया है, वहां पे जहाज जाकर के तार में फंस गया। बहुत लोग मारे नहीं गए, बहुत लोग बच भी गए। तो एक पैसेंजर था, कलकत्ते से आ रही थी फ्लाइट, वो बार बार कहे एयर होस्टेस से कि मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, एक कंबल दी, फिर कहा कि फिर ठंडा लग रहा है, तीन चार कंबल ओढ़े हुए था। जब आग लगी उसको कुछ हुआ ही नहीं, और जब प्लेन जब नीचे तो उतरा और एक एम्बुलेंस देखा, एम्बुलेंस में जाके बैठा, कहा कि ले चलिए मुझे यहां। तीसरा, भारत सरकार ने मुझे नेशनल फैसिलिटेटर ऑन एथिक्स एंड वैल्यूज इन गवर्नेंस बनाया 2015 में। कोई तनख्वाह उनका नहीं है, केवल ये मतलब फुफाजी जैसे होते ना परिवार में, फुफाजी को केवल प्रतिष्ठा मिलती है, कुछ सुना उना नहीं जाता है। तो ऐसे ही फुफाजी का काम है, जाके लेक्चर दे दीजिए। तो ये मैं किस संदर्भ, हाँ, तो मुझे बनाया एथिक्स एंड वैल्यूज में, तो मेरा काम है जाकर के लेक्चर उक्चर देना, देता रहता हूँ। तो ये किस कंटेक्स्ट में मैं कह रहा था, एनीवे, हाँ जाको राख। तो ये अब एथिक्स एंड वैल्यूज में एक बड़ा ही मुझे बहुत ही सटीक उदाहरण है। आपने पढ़ा होगा कि दादरी चाखरी चरखी एक जगह है हरियाणा में, कुछ साल पहले दो हवाई जहाज का, एक गल्फ एयर और एक और मिडिल ईस्ट के, दो एयरक्राफ्ट का हेड ऑन कलिजन हुआ था। अब बहुत लोग मारे गए थे उसमें हरियाणा के। बोर्ड एक आदमी अगले दिन अखबार में निकला कि पिता के नसीहत ने बेटे की जान बचाई। तो हुआ क्या, कहानी क्या थी, वो बेचारा जा रहा था फैमिली के साथ, उसके पिताजी ने बचपन में उसको कसम दिलाया था, बेटा जो कुछ भी हो जाए जिंदगी में तुम रिश्वत नहीं देना। तो वो मानता था, फॉलो करता था। तो जब जा रहा था तो इमिग्रेशन में उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे पैसा बनाना चाहते हैं, तुम्हारे पेपर्स ठीक नहीं है, तो क्या होगा, तो आप पैसा वैसा दीजिए तो भेज देंगे। तो कहा अगर नहीं देंगे तो आपको डिटेन कर दिया जाएगा। तो कहा ठीक करिए, डिटेन कर दिया गया। अब वो ये जामा मस्जिद का रहने वाला था, सब कोई घर पर टीवी देख रहे हैं, रो रहे हैं, तब तक सब परिवार टैक्सी से पहुंच जाता है। एक आदमी पटना के, ये सब मेरे पास अखबार में कटिंग रखा हुआ है, मैं जिसको अखबार में पढ़ता हूँ, जो कुछ अगर उचित लगता है उसको काट के रख देता हूँ। और इसलिए डाटा बैंक 40-50 साल का अगर करिएगा तो फिर कुछ ना कुछ तो डाटा हो ही जाएगा ना। एक आदमी कूदा गंगा जी में सेतु से, मर जाना चाहिए था। चार पांच दिन के बाद उसको यह सो कहीं वो ये फतुआ उतुआ के पास देखा गया, उसका शरीर वो जिंदा ही था। अभी बताइए बालासोर में जो घटना हुई, तो जो गार्ड था गुड्स ट्रेन का, उस स्टेशन पर उतर गया था, चला गया था चाय पीने, इधर एक्सीडेंट हो गया। और एक ड्यूटी लेनी थी एक गार्ड, एक ड्राइवर को, वो कोरोमंडल एक्सप्रेस, उसको आगे ड्यूटी मिलना था, वो कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर के केबिन में बैठ करके वो जा रहा था कि आगे ड्यूटी रिज्यूम करूंगा, उसको एक्सीडेंट हुआ, मर गया। तो कहने का मतलब मेरा रिक्वेस्ट यही है कि कुछ बनिए, एक है ना कुछ करिए गाना है ना, कुछ हाँ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, न रहो न निराश करो, संभलो की जगत में। हाँ बस, तो दोस्तों कुछ करिए। तो ये मैंने बहुत सारी बातें बताई आपको। ये दोस्तों फूल दो तरह के होते हैं, एक देखने में खूबसूरत होते हैं, खुशबू नहीं होती है,
और एक होता है जो 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 खूबसूरत भी होता है, खुशबू भी होती है। अच्छी बातें जिंदगी में बहुत सुनिएगा, अगर आप उनको जिंदगी में नहीं उतारिएगा तो वैसे ही फूलों की तरह रहिएगा जो देखने में खूबसूरत हैं, खुशबू नहीं है, लेकिन अगर उतारिएगा तो वैसे फूलों की तरह हो जाइएगा जो इसमें खुशबू भी है और सुंदरता भी। और अगर जिंदगी बदलना है तो आपके लिए एक ही प्रण काफी है, एक ही डिसीजन काफी है, कुछ नहीं करना होगा। इस ग्लास में अगर कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ हो, एक चम्मच को रख दीजिए, 200 साल तक भी कोल्ड ड्रिंक क्या है चम्मच को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। लेकिन उसी कोल्ड ड्रिंक को मैं अगर एक घूंट पीऊं तो कंठ को तुरंत पता चल जाएगा कि ये ड्यू है कि पेप्सी है कि कोका कोला है, गर्म है कि ठंडा, एक घूंट। जिंदगी वैसे ही है दोस्तों, आप उसके मालिक हैं, आप इतना ज्यादा बुद्ध के अनुयायी हैं, अत्ता ही अपना है, अपना है, अपना दीपक बनिए, अपना करिए, सब भला भला हो ही जाएगा। नियत को ठीक रखिए, सोच को ठीक रखिए, बहुत सारा प्रिंसिपल है। अब आप मुझे आदेश हुआ कि एक घंटे में गागर में सागर भर दीजिए, कहाँ से भर दूंगा, थोड़ा बहुत पानी डाला, थोड़ा बहुत जितना संभव था मैंने आपको कुछ फूल के फूल आपके सामने पेश किए, अगर आपको अच्छा लगा तो स्वीकार करिए, नहीं अच्छा लगा हो तो उसको फेंक दीजिएगा। जिंदगी दोस्तों एक डायरी की तरह है जिसके बहुत सारे पन्ने लिखे जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे पन्ने लिखे जाने बाकी हैं। एक डायमंड पेन लीजिए, उसको कुछ ऐसा करिए, लिख डालिए कि जब अपने ही खुद पीछे खोल करके देखिए तो आपको अरे बाबा एटा आमी कोरेची, मैंने किया है, आपको खुद आश्चर्य हो। दोस्तों आपने बहुत श्रद्धापूर्वक सुना, मुझे झेला, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, और सर आपका दोनों का फिर से कृतज्ञ हूँ कि आपने मौका दिया मुझे। मुझे मैं जब दिल्ली से आ रहा था उसी समय से मुझे खुजली हो रही थी, जैसे बंदर को खुजली होती है ना कि अरे आज मैं फ्री हूँ, तो मैं सोचा क्या करूँ, तो मैंने अपने आप को आपके ऊपर थोप दिया, तो आपने स्वीकार किया प्रेम पूर्वक, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि किताबों से भी बहुत ज़्यादा ज्ञान किसी इंसान जिसने अपना जीवन इतने डिफरेंट शूज़ में फिट होके बिताया है, अगर उनकी बातों को सुने तो शायद वो लाइब्रेरी में बैठ के 50 किताबें पढ़ने से ज़्यादा होता है। तो लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस एक्सपीरियंस विच ही हैज शेयर्ड विद अस, एंड वी आर Absolutely thrilled by whatever you said, sir. मुझे बताया गया था कि सर कुछ पुस्तकें लाए हैं और वितरित करना चाहते हैं, इसीलिए हमने हमारा फेलिसिटेशन भी स्किप किया था, बट सर का हृदय इतना उदार है कि उन्होंने अपनी टॉक के दौरान ही वो किताबें दी है और लाइब्रेरी में भी दी गई है, तो हमारे छात्र छात्राएं और दूसरा कोई भी उन्हें पढ़ना चाहें तो लाइब्रेरी में जाके वो किताबें पढ़ सकते हैं। और एक चीज मैं आप सब लोगों को बोलूंगा, सर की पर्सनल वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत सुंदर कोटेशंस, बहुत सुंदर ब्लॉग्स, बहुत सुंदर वीडियोस उस एक वेबसाइट पे बहुत सुंदरता से, जो गागर में सागर भरने वाला मेटाफर सर ने यहाँ पे दिया वो आपको वहां देखने को मिलेगा। एनीवेज, बिकॉज इट्स लंच टाइम, आई डोंट वांट टू डिले इट, बट वी वांट टू नाउ ऑनर आवर चीफ गेस्ट, सो आई विल नाउ रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर टू फर्स्ट गिव द प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स। परम आदरणीय ऋकेश शरण जी और डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी तथा हमारे संस्थान परिवार के सभी सीनियर और जूनियर प्राचार्यगण, कर्मचारीगण तथा मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, वास्तव में आपने देखा इतने बड़े उच्च पद पर, उच्च पदों में भी मलाई वाला पद कहा जाता है, उस पद पर रहते हुए भी एक ईमानदारी के साथ आपने जीवन यापन किया, जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट आप 74 बता रहे थे शायद अवस्था में होकर भी इतना एनर्जेटिक, इतना ऊर्जावान, ये इसी का परिणाम है, क्योंकि स्वस्थ मन में
स्वस्थ शरीर रहती है तो उसका परिणाम आपको बिल्कुल किसी प्रकार का थकावट नहीं हो रही थी, इतना ऊर्जावान थे, है ना। तो इसलिए हम लोगों को वास्तव में ये जीवन क्या है, 80-85 साल का है, है ना, कोई नहीं रहेगा। बट इन 80-85 वर्षों में यदि आप ईमानदारी के साथ, अच्छाई के साथ कुछ कर गुजरेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। जैसे कि आपने कई लोगों का एग्जाम्पल्स दिया, है ना, जिसका स्टैचू बना है, यही तो है जीवन की प्राप्ति करने के पश्चात हमारा। बाकी आप करोड़ों अरबों कलेक्ट करके भी रखेंगे तो आपके साथ कुछ भी आने वाला नहीं है। आपके पास जितना भी है आपको एक ही वस्त्र पहनना है, तीन ही ढंग का भोजन तो करना है, उसे आगे और क्या करना है। इसलिए तो ईमानदार बनने का प्रयास करना चाहिए, नैतिकतापूर्वक जीवन जीने का जो है हम सबको प्रयास करना चाहिए। जीवन में कुछ कर गुजरने की चाह जो है निश्चित रूप से हम लोगों का रहना चाहिए। कभी कभी एक प्रतिज्ञा, एक प्रण भी बहुत बड़ा काम कर देता है। इस संदर्भ में मैं सिर्फ छोटा अपना अनुभव सुनाने चाहता हूँ। बचपन की बात है, मैं 8 वर्ष का रहा हूँगा, 7 या 8 वर्ष का, क्योंकि मेरे पिताजी बचपन में गुजर गए थे। जब मैं 7 वर्ष का था तो उसी समय गुजर गए थे। तो 1 साल बाद समझिए, मेरे मकान में एक मिस्त्री रहता था। तो वो बाद में पता लगा कि वो पाकिस्तानी था कोई रहा, तो वो रहता था, वो ऊपर वाले मंजिल में रहता था, ऊपर वाले कमरे में रहता। मैं बच्चा था तो उस समय जो है डब्बे में दूध, आज भी होता है पाउडर वाला दूध, तो किन्नौर में तो लॉक लगाने का सिस्टम तो था नहीं, तो वो दूध का डब्बा जो है वहाँ रखा हुआ था। अब मैं तो छोटा जैसा था, अब चाह के मैंने क्या किया, उस दूध को जो है खा लिया। हाँ, तो दूध यहाँ यहाँ लग गया होगा पाउडर वाला दूध। जब मेरे माता जी ने देखा तो मेरे को डांटा, मेरा पिटाई किया, और फिर माता जी ने कहा कि देखो बच्चे बेटा, नाम पुकार करके बंश, अगर तुम इस प्रकार काम करोगे, हमारे गांव से नीचे सतलुज बहती है, बोला कि उसमें जंप मार के मैं अपना जान दे दूँगा अगर इस प्रकार का तुम गलत काम करोगे तो। उस दिन मेरे को शौक जैसा लगा, यद्यपि मैं बच्चा था, तो मैंने सोचा पिताजी तो है नहीं, अब माता जी भी अगर ये कर जाएगी तो क्या होगा, जैसा ये। उस दिन मैंने यह संकल्प किया कि मैं मर कर भी किसी का 1 रुपये भी मिसयूज नहीं करूँगा। पता नहीं उसके बाद क्या है क्या नहीं है, हो सकता है ये मेरे नफ्स में कोई वो लेने का नफ्स वाला कट गया होगा। सही बता रहा हूँ, मैंने जीवन में कभी 1 रुपये मिसयूज नहीं किया, कभी किसी को 1 रुपये का धोखा नहीं दिया, यह मैं कह सकता हूँ। ये नसीहत उससे मेरे को मिला। तो इसी संदर्भ में और एक घटना मेरे साथ घटा, ये 1995 की बात है। मैं ताइवान गया था, ताइवान जा करके मैंने वहाँ पर बोधिचार्य अवतार का टीचिंग दिया था, तो 2 महीने की छुट्टी में गया था। तो उस गुरुजी ने जो है मेरे को जो $10,000 दिए, वो जो 2 महीना मैंने बोधिचार्य अवतार को पढ़ाया था, तो $10,000 दिया। तो वो मैं नहीं ला सकता था, मेरे साथ दोस्त थे, एक गुरुजी थे, वो नेपाल आ रहे थे, तो मैंने उनके हाथ सौंप दिया और मैं भी साथ नेपाल चले आया था उस समय। तो उस समय डॉलर का दाम जो है 26 रुपये था, जो भी हो $1 26 रुपये में था, लगभग 2,60,000 के आसपास मेरे को मिला था। तो मैंने क्या किया कि पूजा पाठ का सामग्री होता है, चांदी का बना हुआ होता है, 7 बॉल्स वेरे है, कलश वेरे है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो वो सब मैंने ले लिया। तो वो सब मैं ले करके चले आया। जब मैं घर लेके गया तो फिर पुनः घर में माता जी बोल रही, वांगचू ये जो है किसी व्यक्तिगत घर में रखने वाली चीज़ नहीं है, क्यों लाए, कहाँ से लाए। उनको ये चिंता था कि ये कहाँ से आया होगा, शायद मैंने जो है कहीं किसी को गुमराह करके, झूठ बोल करके, ठग करके ऐसा लाया होगा सोच के। माता जी मेरे को डांट रही है कि नहीं, ये सब देखो घर में रखने वाली चीज़ नहीं है, ये व्यक्तिगत ऐसा नहीं है, इसको तो आपको मंदिर में रखना चाहिए, गाँव का बिहार है वहाँ रखो। तो
यद्यपि मैंने बड़ा ईमानदारी के साथ, वो तो बैंड किया हुआ था उसका लिया, समझाया मैंने माता जी से ऐसा नहीं, लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि आप सब फ्यूचर में पिताजी बनोगे माता जी बनोगे, तो बच्चों को अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना है ना। अब हम लोग जो बूढ़े हो गए हैं ना, जो मैच्योर हो गए हैं ना, इनको बदलना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। कुछ भी बोलते रहें बदलेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा बदलने की आशा हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चन है छोटा है उसमें हम बहुत अच्छा संस्कार डाल सकते हैं। यदि अच्छा संस्कार आप डालेंगे तो आज मैं देखता हूँ जीवन में क्या है, कुछ भी नहीं देखता हूँ, मैं ईमानदारी से जिया हूँ तो कभी किसी प्रकार का परेशानी या समस्या या कुछ नहीं आया। मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ भी पाया, बिल्कुल किसी प्रकार का जो है क्या कहें, चापलूसी करके या अभद्र उपाय को करके ऐसा नहीं हुआ, मात्र इसका कारण मैं समझता हूँ दिल साफ है, ईमानदारी से हम करते हैं, होगा भी ठीक है नहीं होगा भी ठीक है, उसको लेकर मैं आगे चलता हूँ। ऐसा करने पर जो जीवन बहुत सुंदर होता है ना। तो बाकी इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि भोजन का समय भी हो गया है, आपने बहुत ही सुंदर सुंदर बातें कही, तो निश्चित ही कुछ बनने का ठानिए, बनने का अभिप्राय ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ है ना, ये बनना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है कि हम अपने बच्चों के लिए जैसा सोच करके फिर कुछ बहुत कुछ उल्टा रास्ता पर भी हम जाने जाते हैं अपने बच्चों के लिए या संतान के लिए। ये भी मैं देखता हूँ कि संतान का अपना भाग्य है तो वो संतान अपना करेगा, जैसे कि मेरे पिताजी तो बचपन में जब मैं 7 वर्ष का था उसी समय गुजर गए थे, मुझे तो माताजी ने पाला है कि नहीं, तो माताजी तो अंगूठा छापते कुछ जानती भी नहीं थी, वो कल्पना भी नहीं कर सकती कि मेरे को कहीं इंस्टीट्यूट में भेज करके ये करें वो करें, मीन्स बच्चा अपना भाग्य है, जो बनना है वो बनेगा। आप बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा होगा बहुत सारे अमीर के बेटे होते हैं, बच्चे संतान होते हैं, लेकिन वो जो है माता पिता का किया गया सब कुपुत्र है तो खत्म नष्ट कर देता है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा हमको जो है अपने घर के प्रति भी बहुत अटैचमेंट, अपने परिवार के प्रति भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, अपना हम सब अपना अपना भाग्य को लेकर के आते हैं, है ना। ठीक है, वैसे जन्म लेते समय हम लोग नंगा ही अकेला ही जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म जब हम लेते हैं ना, हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार किसी को बहुत अच्छा माता पिता मिलता है, किसी को बहुत अच्छा घराना मिलता है, वो क्यों है, ये पूर्व जन्म का कर्म है ना, उस बच्चे ने तो कुछ किया नहीं, वो तो अभी जन्म रहा है ना, लेकिन उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के चलते जो है वो अच्छा परिवार में मिल, अच्छा एजुकेशन में, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। कुछ लोगों को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बहुत खराब परिवार में भी जन्म लेना पड़ता है, इसलिए जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेरा घर गृहस्थ लोगों को मेरा घर घर करके घर के लिए ये बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो इसी और एक शब्द बोलते हुए मैं समाप्त करूँ, जब घर पर मैं विचार करता हूँ, घर पर जब मैं विचार करता हूँ मैं तो यही सोचता हूँ क्या घर है, जब मैं पैदा नहीं हुआ उस घर में वो घर मेरा नहीं था, जब मैं पैदा नहीं हुआ जिस मकान में या जिस घर में मैं पैदा नहीं हुआ तो वो घर मेरा नहीं था, जिस दिन मैं पैदा हुआ वो घर मेरा हुआ, क्या आगे चल करके वो मेरा घर रहेगा, मैं भी उसको छोड़ के चले जाऊंगा, मेरा घर कहाँ है, ना पहले था ना बाद में होगा, है ना। इसके उपरांत भी हम मेरा घर मेरे बच्चे क्यों ऐसा सोचते हैं, हम लोग जो गलत रास्ते पर जाते हैं ना वो सब संतान के स्नेह के चलते करते हैं, इस पर भी थोड़ा जैसा गंभीर सीरियस होकर चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, ऐसा यदि आप करेंगे ईमानदारी से अपना जीवन यापन करने वाला होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ तो पुनः मैं आपका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अरेंजमेंट भाषण किया इसके लिए। थैंक यू सो मच सर। अगेन वो मेटाफर कितना सटीक उधरता है कि सर ने भी गागर में सागर अपनी 3-4 बातों में, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मैंने निगी जी के साथ जितना थोड़ा बहुत समय बिताया है, एक सेंटेंस जो इनका कहा हुआ सेंटेंस मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ। एक बार ये मुझे कुछ समझा रहे थे तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये बोला कि
मॉरल करप्शन का एक सबसे बड़ा उदाहरण ये नहीं होता कि आपने पैसा नहीं लिया। मान लीजिए आप नौकरी नहीं करते हैं, हम छात्र हैं नौकरी नहीं करते हैं, तो मैं तो मॉरली करप्ट हूं ही नहीं, तब भी आप मॉरली करप्ट हो सकते हैं। और उन्होंने एक सेंटेंस में बोला था, मुझे आज भी याद है, कि महेश जी जब आप अपने काम से चोरी करते हैं तो ये सबसे बड़ा धोखा इस दुनिया को दिया जाता है। तो अगर मैं छात्र हूं और मैं पढ़ता नहीं हूं तो मुझे विद्यार्थी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं शिक्षक हूं और मैं अच्छे से नहीं पढ़ाता तो मुझे शर्म आनी चाहिए, यह मेरे लिए सबसे बड़ा मॉरल करप्शन है। वैसे ही कोई भी काम हमें जब मिलता है और जब हम उसमें काम चोरी करते हैं तो मुझे लगता है यह सबसे बड़ा मॉरल करप्शन होता है। तो हर करप्शन का मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ पैसे ले तो ही घूस होती है, घूस भी अपने आप में बहुत तरीके की होती है। और आज जिस तरह से दोनों वक्ताओं ने उसे समझाया, मैं तहे दिल से आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं। और सिंस वी आर एक्सट्रीमली ऑब्लाइज्ड बाय द स्पीकर्स टॉक, नाउ इज द टाइम देन वी एक्नॉलेज हिज हार्ड वर्क, एंड एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑन बिहाफ ऑफ CISTS, आई वुड रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल रजिस्ट्रार मैम टू ऑफर खतक टू श्री ऋषिकेश जी सरन जी, जस्ट टू शो द ग्रेटिट्यूड। दिस इज नॉट ओनली ग्रेटिट्यूड फॉर योर लेक्चर सर, ये आपकी जो जीवन गाथा है बुद्धा के लिए, आपका जो काम किया गया है और जो आपके आदर्श हैं, ये समझ लीजिए कि इस खतक से आज हम सब लोग और इन तालियों से हम सब लोग उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आशीर्वाद के रूप में मैं कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि वो शॉल ओढ़ाकर हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करें। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। बिफोर द लास्ट टॉक आई विल जस्ट से कि जो भी हमने आज सुना, होता है ना कि अरे खाना खाना है, लंच है, जाना है, वो तो हम रोज खाएंगे, कल भी खाएंगे, हमेशा खाएंगे, बट आज जो बातें हुई है उसको थोड़ा सा आत्मसात जरूर कीजिए, वरना क्या होगा, एक यू नो कचरे की तरह हमारे से निकल जाता है, दो तीन दिन में हम भूल जाते हैं। थोड़ा सा आत्मसात कीजिए तो मुझे लगता है ये जो दो घंटे तीन घंटे हमने दिए हैं वो शायद हमें, हमारे बच्चे, और जैसे कुलपति जी ने कहा, शायद आपके वो गुण आपकी संतानों में और आगे से आगे चलते जाएंगे। विद दैट नाउ एज द फाइनल टॉक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल रजिस्ट्रार मैम टू डिलीवर वोट ऑफ थैंक्स। मैंने एक पुस्तक लिखी, ये कर्म से पुनर्जन्म, ये जिसकी प्रस्तावना इज होलीनेस दलाई लामा ने लिखा, इसकी एक प्रति मैं सर को दे रहा हूँ। इसकी तस्वीर मेरी बेटी ने बनाई जो सिंगापुर में रहती है, दिस इज चाइनीज पेंटिंग। और एक और पुस्तक दे रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन, सहस्र प्रश्न और उत्तर, 500 प्रश्न और 500 उत्तर। अम्बेडकर का जीवन मुझे बड़ा इंस्पायरिंग हुआ, सिर्फ एक चीज़, 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, दे मेड ए लिस्ट ऑफ 200 बेस्ट स्टूडेंट्स दे हैड एवर प्रोड्यूस्ड, एंड द नेम ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर वॉज नंबर वन इन दैट। दिस इंस्पायर्ड मी एंड आई हैव रिटन दिस बुक। और एक आपके लिए एक पुस्तक है जो कि कल सर ने इसका विमोचन किया, बुद्ध की प्रथम एवं अंतिम धर्मदेशना, तो सर ने विमोचन किया, इन्होंने अपनी प्रस्तावना में दो शब्द भी लिखे, उसकी प्रति मैं आपको देता हूँ। थैंक यू महेश जी। श्रद्धेय कुलपति महोदय, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बहुत आदरणीय और सम्माननीय शरण सर, ऋषिकेश शरण सर, इस सभा में आए हुए हमारे शिक्षकगण, आदरणीय शिक्षकगण, सीनियर सर, हमारे कर्मचारीगण और प्यारे छात्र छात्राओं, मुझे वोट ऑफ थैंक्स के लिए महेश जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, पर इस समय इतना अच्छा एक माहौल है इस सभागार का, क्योंकि अभी हमने पिछले दो घंटे ईमानदारी की शक्ति और उसकी ताकत
समझने की कोशिश करी और हमें बहुत अच्छे से हमारे मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि महोदय ने हमारे अंदर अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से निकाल निकाल के उस ताकत को आपके अंदर इंजेक्ट नहीं किया, वो अपने आप इम्बाइब हो जाए इस तरीके से उन्होंने उसे प्रेजेंट किया। किताबों से पढ़ने में आप उन चीज़ों को इतनी अच्छे से नहीं ग्रह कर सकते जितने अच्छे से जब कोई अपने एक्सपीरियंस से उसे बताता है। और उस पे सोने पे सुहागा वो बात थी कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को इन्हीं ईमानदारी की ताकत और शक्ति को प्रदर्शित करती है अपने एक्शन से, वो हमारे कुलपति महोदय ने हम सबके सामने रखा। तो सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय सर आपका, आपने हमारा ये बिल्कुल भी सर आप अपने दिमाग में या जहन में ना रखें कि आपने अपने आप को थोपा। हम ये दो घंटे ये हमारे बच्चों के लिए, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी बाद में कि बच्चों ने क्या समझा और क्या सीखा, क्योंकि मैंने एक चीज़ सर बहुत अच्छी सुनी थी, 120 बच्चे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से एकेडमिक एक्सकर्शन टूर पर आए थे और हमने इनमें से कुछ बच्चों को कहा था कि आप बच्चे अपने इन BHU के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करिए, और जब हमारा कार्यक्रम का अंत हुआ और एक्सपीरियंस शेयरिंग हुई तो उन बच्चों ने और उन टीचर्स ने, उनकी टीम थी 6 प्रोफेसर्स थे, और उन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत छू गई, और वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि हमने कहा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखी आपने हमारे कैंपस में वो शेयर करिए। उन्होंने ये शेयर किया कि यहाँ के बच्चे बहुत संस्कारी हैं, बहुत कल्चर्ड हैं, ये इसी हॉल में उन्होंने इसी डायस पे खड़े होकर के ये कहा था। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जो जो मैंने शायद ध्यान नहीं दिया था, मुझे 2-3 महीने होने आ रहे हैं ज्वाइन किए हुए, लेकिन मैंने इस चीज़ को इतने ध्यान से नहीं देखा था, जब उन्होंने कहा तब मैंने ये चीज़ को फील किया। बच्चे मेरे पास भी आते हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं उनकी समझ के हिसाब से होती हैं, तो जब बच्चों को सही से गाइड कर दीजिए कि इसे ऐसे नहीं ऐसे सोचा जाना चाहिए या इसमें मॉरल्स और एथिक्स ऐसे कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, वो बहुत जल्दी समझते हैं। तो मुझे सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल अपने आप को नहीं थोपा, हमने बहुत कुछ 2 घंटे में सीखा है और समझा है आपसे, जीवन कैसे जीना है, सपने सही देखिए, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी कि एक कॉलर का बटन गलत तो सारे बटन गलत हो ही जाएंगे, एक जहर गंगोत्री में तो पानी जहरीला हो ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस अमूल्य टॉक के लिए, और कुलपति महोदय साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना इसलिए चाहती हूँ कि सर हमेशा इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें जन जन को, इस कैंपस में रहने वाले हर कर्मचारी शिक्षक और छात्रों को लाभ मिले, उस मौके को नहीं छोड़ते और हम सब तक वो बातें पहुँचाते हैं जो हम अपनी क्लास में, अपने ऑफिस में या अपने बाकी जगहों पर नहीं उसका यूज़ कर पाते हैं, उन चीज़ों को सर हम तक पहुँचाते हैं, और ये आतिशा हॉल धन्य है जिसमें इन सब चीजों के बारे में हम बहुत कुछ सीखते हैं। और मुझे थैंक यू बोलना है अपने शिक्षक गण का, आज अच्छा लग रहा है, इतने दिनों तक कैंपस में वेकेशंस में बिल्कुल देखने को नहीं मिलते थे, 1-2 टीचर्स मिलते थे तो बहुत खाली खाली लगता था, आज आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग समय निकाल के आए, और स्पेशली पेमा तेंजिंग सर जिनको मैंने रिक्वेस्ट किया, सर को पैर में थोड़ा दर्द था लेकिन सर ने कहा कि इम्पॉर्टेंट है, मैंने कहा नहीं सर आप बैठेंगे आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि इसे मोटिवेशनल स्पीच ना समझ करके हम ऐसी चीज़ सोचें कि एक भाव है जो सब में एक साथ पहुंच रहा है, तो वो भाव में हम एकता में हैं और एक जैसा सोच रहे हैं जिस समय कोई हमें कुछ उपदेश दे रहा है। मैं अपने कर्मचारीगण जो सब अपने ऑफिसेस छोड़ छोड़ करके यहाँ बैठे हैं और ज़रूर इसका लाभ वो अपने ऑफिसेस में रोजमर्रा के काम में अप्लाई करेंगे, और ईमानदारी ऑफिसेस से ही शुरू होती है, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी संस्था का वर्क कल्चर उसकी पहचान होता है, और ईमानदारी की जो शक्ति है उसकी महत्ता को बताते हुए जब सर ने बताया तो आप अपने ऑफिस के काम में, जैसे महेश जी भी बहुत सुंदर कह रहे थे कि जब आप अपने काम से चोरी करते हैं तो उससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता, जब आप उस पोजीशन पे हैं, जब आप एक ऑफिस के कर्मचारी हैं और आप ये काम कर रहे हो, तो ज़रूर आपके इससे बहुत लाभ मिलेगा मेरे कर्मचारियों को सर।
और बच्चों के लिए स्पेशली थैंक यू, अभी सभी बच्चे आ ही रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ों में अभी बटे हुए हैं, बहुत सारे काम उन्हें देखने हैं, लेकिन फुल स्ट्रेंथ में आए, जितने बच्चे कैंपस में हैं सब आए, और हमारे स्टूडेंट्स ने इसमें पूरा अपना आई वॉज वेरी हैप्पी कि कोई बच्चा बीच में उठ के नहीं गया, और वो बहुत तन्मयता से उन्होंने सुन करके पार्टिसिपेटरी रोल प्ले किया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं थैंक यू स्पेशली करना चाहती हूँ महेश जी को के लिए, जिनको मैंने जब भी कोई काम दिया या किसी भी तरह की मैंने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने 5 मिनट में पूरा का पूरा खाका बना दिया, और वो सब इतनी सुंदर तैयारी करते हैं कि किसी भी चीज़ में कमी नहीं होती है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये आयोजन बहुत सुंदरता से किया। इसके साथ साथ वो सारे कर्मचारी जो इस हॉल की रख रखाव और इन सब में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत थैंक यू। फाइनली थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।